बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपसे बात करने लगी हूँ जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक बहुत अहम है। ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे BSHND के बारे में, यानी कि BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये बहुत वसी फील्ड है, हर उम्र के फ़र्द के लिए जो है एक डाइटिशियन की ज़रूरत होती है और डाइटिशियन उसके लिए काम करता है। जैसे एक डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, एक फार्मिस्ट जो है आपके लिए सूटेबल मेडिसिन को सजेस्ट करता है, इस तरह एक जो डाइटिशियन है ये आपको सजेस्ट करता है कि बीमारी में आपको क्या खाना चाहिए। मुख्तलिफ बीमारी, जैसे अगर आप दिल के मरीज़ हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं, वज़न कम करना चाहते हैं या किसी ऐसी बीमारी में मुबतला है जिसमें आपको खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम है, तो डाइटिशियन आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। पूरा आपका डाइट प्लान एक जो है वो शेड्यूल देता है जिसके मुताबिक आप खाना खाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि डाइटिशियन सिर्फ मरीज़ों के लिए काम करता है, डाइटिशियन हर फर्द के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। खाना हम सब खाते हैं और हर किसी की बॉडी हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। डाइटिशियन आपको बताता है कि कौन सी चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों की आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। एक आम फर्द को भी बाज़ात आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको वेट लूज़ करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आप बहुत वेट लूज़ वेट के साथ हैं और आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी आप एक डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो भी आप डाइटिशियन की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इस तरह जो डाइटिशियन है वो हमारे सोसाइटी में ना सिर्फ मरीज़ों को बल्कि सेहतमंद अफराद को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से गाइड करते हैं। तो ये तो हो गई एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशन का काम इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपको बताती चलूँ कि BSHND को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिफरेंट नेम के साथ ऑफ़र कर रही हैं। बेसिकली ये सेम ही डिग्री है, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको ऑफ़र कर रही हैं BS न्यूट्रिशन के नाम से, कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको ऑफ़र कर रही हैं BS क्लिनिकल न्यूट्रिशन के नाम से, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसी डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं BS फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के नाम से, और कुछ यूनिवर्सिटी इसको BS फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से जो है ऑफ़र कर रही हैं और करवा रही हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ साल पहले जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसको 5 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफ़र करती थी और आपको डॉक्टर के टाइटल के साथ जो है ये डिग्री ऑफ़र करवाती थी, यानी कि डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन या डॉक्टर ऑफ डाइटिशन। लेकिन HEC ने इसकी ममानत की, अब आपको HEC की तरफ से इजाज़त नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन को कि डॉक्टर के लफ्ज़ के साथ, डॉक्टर के टाइटल के साथ इस डिग्री को ऑफ़र कराए। अब इसको BS के नाम से ही ऑफ़र करते हैं क्योंकि HEC ने इस पर सख्ती से जो है इसको मना किया है कि आप इसके साथ डॉक्टर का टाइटल नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप HND करना चाहते हैं, BS HND करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने FSC प्री मेडिकल की होनी चाहिए। FSC प्री मेडिकल में आपके अच्छे नंबर होने चाहिए क्योंकि इसका मेरिट जो है वो 80% तक भी यूनिवर्सिटीज़ में जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 60% तक इसका जो है वो मेरिट चला जाता है। जहाँ तक हम इसके एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपने एंट्री टेस्ट रखे हुए हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन बगैर एंट्री टेस्ट के BS HND में आपको एडमिशन दे देते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की, तो ये बेसिकली 4 ईयर का प्रोग्राम्स है जिसके 8 सेमेस्टर हैं, लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की ऐसी हैं जो अभी 5 ईयर्स का प्रोग्राम जो है इसका ऑफ़र कर रही हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है इसका 4 ईयर का प्रोग्राम जो है वो आपको ऑफ़र करती हैं जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ रफली एक आइडिया दूँ इसके फ़ीस स्ट्रक्चर का, तो इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है 3 से 4 लाख रुपया आपका लग जाता है इस डिग्री को कंप्लीट करते हुए, ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हुए, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से इसको करते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं तो 4 से 5 लाख का जो एक्सपेंस है वो आपका हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि मेरिट या फीसेस कोई कंफर्म नहीं है, मैं आपको रफली आइडिया देती हूँ कि ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, और हर जो यूनिवर्सिटीज़ का फ़ी का स्ट्रक्चर या जो मेरिट लिस्ट है आपको पता है डिफरेंट होती है, तो उसका
या जो भी पैटर्न है वो आपको पता चल जाता है। मैं आपको रफली एक गाइडलाइन देती हूँ कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका मेरिट कहाँ तक होता है या इसका फ़ी का एक्सपेंस कहाँ तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया H&D क्या होता है, यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है ये क्या काम करते हैं, ये डिग्री किस किस नेम से ऑफ़र होती है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, मेरिट और फीस की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं H&D का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन BS H&D जो है ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके साथ जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम शेयर करूँगी, ये टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं और कुछ प्राइवेट हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको BS H&D ऑफ़र करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की। यहाँ से आप BS H&D कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर, गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स लाहौर, स्पीरियन यूनिवर्सिटी लाहौर, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर, अल हमद इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्वेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशेरो, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची, द यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोट, वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ मर्दान, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट और इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये चंद चौंक की यूनिवर्सिटीज थी, इंस्टीट्यूशन थे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्कोप की। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आपका स्कोप क्या है, या आप पढ़ने से पहले भी आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये एजुकेशन या आप ये डिग्री कंप्लीट करते हैं, BS करते हैं, तो उसके बाद आपका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, क्या आपकी जॉब लाइन है और आप कैसे और किन फील्ड में अर्न कर सकते हैं। तो जब आपका BS H&D कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपने अपनी BSc ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के तौर पर आप काम करते हैं। इसके अलावा आप फूड रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं, फूड लैब्स में काम कर सकते हैं, फूड कंपनीज में काम कर सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेस्टिंग अथॉरिटी में आपको जॉब मिलती है, NGOs में आपको जॉब मिलती है, होटल में आपको जॉब मिलती है। बहुत से जो हाई फाई होटल्स हैं 4-5 स्टार, उन्होंने एक डाइटिशियन ज़रूर हायर किया होता है ताकि उनके पास जो उनके कस्टमर आते हैं उनकी हेल्थ को लेकर उसी तरह की डाइट तैयार करें। इसके अलावा आप एज अ चाइल्ड न्यूट्रिशन के तौर पर काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में जो है डाइटिशियंस काम करते हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स की टीम है ऐसी, आप क्रिकेट टीम ले लें, फुटबॉल टीम ले लें, इस तरह स्पोर्ट्स की जो बहुत सारी फील्ड हैं सब ने एक न्यूट्रिशन ज़रूर हायर किया होता है। तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स क्लब में जो है जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आपको जॉब ऑफर होती है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, जहां शोबिज़ में लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी सेहत को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, वहां एक डाइटिशियन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, वो उसे गाइडलाइन लेते हैं। और बाज़ लोगों ने तो अपना पर्सनल एक डाइटिशियन के साथ अटैचमेंट रखी होती है, उसको पे कर रहे होते हैं ताकि वो हर वक्त अपने डाइटिशियन से वो चीज़ें कंसल्ट करके जो है अपने फूड जो है उसको तरतीब देते हैं। इसके अलावा फ़िटनेस क्लब, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ऐसे लोग भी जो है फिटनेस खुद भी हायर कर लेते हैं, और फिटनेस क्लब जो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं उन्होंने भी एक न्यूट्रिशन जो है वहाँ पर एक अरेंज किया होता है। इसके अलावा अगर आप आना चाहें तो एजुकेशनल फील्ड में आ सकते हैं, यानी कि आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एज अ लेक्चरर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। H&D से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।